कैसे? आंखों से। बनाना कैसे है? आंखों से। आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि आप कहाँ बना रहे हो, सामने वाले व्यक्ति पे, अपने आप पर, कहाँ बना रहे हो। इसलिए बार बार बोल रही पेन से प्रैक्टिस कर लेना। आई मैं बताती हूँ, रुको रुको, सिंपल से बताती हूँ। हाँ बस हो गया, एक सिंपल से बताती हूँ। आंखें बंद करो, सभी के सभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद, आंखों से सर्कल बनाओ, गोला। अबे ये हाथ क्यों चल रहा है? अरे पकड़ो। आंखों से दोबारा से बताते हैं, सिंपल सा। आंखें बंद करो, अब एक गोला बनाओ अपनी आंखों से, सामने वाले के ऊपर। सामने कौन है? मैं ही खड़ी हूं। बन गया? ठीक है, अब ना सातिया बनाओ मेरे पर, आंखें बंद करके। बन गया? जिसका बन गया वो आंखें खोल लेना। बन गया? आसान है ना, आ गया बनाना। अब वैसे उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसका भी डिजाइन आपको आ जाएगा। आ गया समझ में? आपको कैसे बनाना है? जैसे अब वो सामने तो खड़े नहीं है, बच्चे चले जाते हैं, हबड़ दबड़ में होते हैं, तो आप उसको विजुलाइज करेंगे। जैसे अभी मेरे को पता है कि इन्होंने ये साड़ी पहनी है, ये पहना हुआ है, अब मुझे पता है कि ये आया है, तो मैंने इनको विजुलाइज किया, ये यहाँ पर है, अब मैंने इनके ऊपर वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। तो वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है, फिर 24 घंटे बाद आपको दोबारा से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। याद रहेगा? नजर का 24 घंटे के लिए रहेगा, फिर बनाना पड़ेगा। तो रोज सुबह उठते ही पहले अपने घर के गेट पे बना लिया करूँ, फिर बच्चे बच्चे जैसे जाते जाते हैं तो घर में बैठे बैठे जैसे काम करते करते याद आ गया, बना दिया। आप लोग फोन करते हो ना, दीदी नारायण कवच भेज दो, भेज रहे जी भेज रहे, नाम बता दो, फोटो भेज दो, बोलते हैं ना कई बार, हॉस्पिटल का नाम बता दो, हॉस्पिटल पे भेजना है तो, ठीक है। शिव नारायण, ठीक है, जल्दबाजी हो रही है। ऊपर चौखट पे, हाँ, अब स्टूल आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। शिव नारायण, आभार की माला। हो गया समझ में? आंखों से बनाना आ गया, दोबारा बनवाऊं? नहीं, किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। तिजोरी वाला आपका पर्सनल है, आप नारायण कवच किसी को भी दे सकते हो। दे सकते हो मतलब सिखा नहीं सकते हो, पहुंचा सकते हो उन तक। जैसे किसी का एक्सीडेंट सुन लिया आपने, वहां पहुंचा दिया, उसका बंदे का नाम पता है, पर्सन का आपको जगह पता है, वहां पहुंचा दिया सिंबल। अब वहां पर जितनी भी सकारात्मकता होगी ना उस एरिया में, वो उसको ठीक करने में लग जाएगी, प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी। कैसे? थैंक यू। कैसे? मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है किसी एरिया में, तो हम क्या करते हैं, उस एरिया के जहाँ पे हमारा जान पहचान के, तो हम वहां फोन कर देते हैं, अरे आपके पास है, हम जब तक पहुंच रहे हैं तब तक आप देखो, बोलते हैं ना। फिर वहां पे वो क्या करता है, अपने आस पड़ोसियों को लेके फटाफट से जाता है एक्सीडेंट वाली जगह पे, या किसी ऐसी जगह घटना पे होता है ना, सेम ऐसा ही है ये भी। तो वहां पे जितनी भी अच्छी शक्तियां होती हैं वो सारी एकत्रित होती है और उसको ठीक करने में लग जाती है। तो बहुत अच्छी, सबसे बड़ा धन्यवाद। दूसरा लास्ट इम्पोर्टेंट बात, जब कभी ऐसी शिक्षा मिलती है तो रिटर्न में कुछ देना होता है, ठीक है, कभी भी ऐसी शिक्षा मिलती है। तो आज धन्यवाद की माला आप लोगों को मुझे देनी होगी। दो सिंबल मिले हैं। कंजूसी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दोनों सिंबलों के लिए धन्यवाद। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, हमारे कर्म नहीं बंधेंगे ना, सिखा रहे ना,
आप फिर मेरे से कर्जदार हो जाओगे, तो अब कर्जा खत्म, ठीक है? क्योंकि कोई भी हमें कुछ देता है तो हमें रिटर्न में देना होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे अब हमारा आपका कनेक्शन पूरा हो चुका है, जो मैंने आपको सिखाया उसके बदले में आपने मुझे माला दे दी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप हार की माला कर, स्वास्थ्य की माला करते हैं और आभार की माला करते हैं, उनका नाम ले लीजिए आप और उनको विजुलाइज कर लीजिए। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह। श्री नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, लक्ष्मी मां आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आभार की वाला पद करते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह। शिव नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, लक्ष्मी मां आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी सनी भाई, आपका हंड्रेड साहब। बताओ भैया जी, राज भैया का ये तो आप अपने सिंबल बन गए, तो अपनी संभाल के रख लो ना यादगार के लिए। आप इसको अच्छे से किसी डायरी में आप बनाओगे, अभी जाके उसी डायरी में रख रहने देना। आशीर्वाद तो इसी में मिला है, पहले बता रही हूँ, जो पेपर आपके पास है ना, आशीर्वाद तो हमने इसी में छोड़ा है, इसे रफ पेपर मत समझिएगा, ठीक है? याद है जो स्कूल पढ़ता था, याद होगा, रफ कॉपी फेयर कॉपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी, रखता था ना हम अधिकतर नोट उसी में लिखते थे, रफ कॉपी फेयर कॉपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, नहीं होती थी? कुछ मिलता था वहीं उतार दिया, कुछ मिलता था वहीं उतार दिया। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे। उसे कोई से भी कलर से कर सकते हैं। नहीं, ब्लैक से भी कर सकते हैं। हाँ, उसे किसी से भी कर सकते हैं, जो वो वाला वो सिर्फ रेड 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 कलर से ही होगा। हाँ जी, समृद्धि वाला, ठीक है? बरकत बढ़ोतरी, हाँ बरकत बढ़ोतरी वाला, समृद्धि वाला, आप उसको अपने पैसों से जुड़े हुए, धन से जुड़ी हुई जगह पर ही बनाना है। करो भैया जी, आरती की तैयारी करो ना आपके। धन से जुड़ा हुआ वाला, ठीक है? ये नंबर सिर्फ तिजोरी और गले पर जाएगा, ये कहीं पर्स पर सब जगह स्टार्ट मत हो जाना। फिर पता है फोन आता है, दीदी मेरा पर्स छोटा है, वो नंबर नहीं आ रहे। तो ये नंबर कहाँ जाएंगे? ये बहुत कारगर है, कोई इसकी शेयरिंग करना चाहेगा नंबरों की तो कर दीजिए, बड़ी अच्छी बात रहेगी। अब शर्माओ मत, छुपा के मत रखो भाई। अगर आपने तिजोरी में रखा है, हर थोड़ा सा भी बदलाव है आपके जीवन में तो आप बताएं, क्योंकि बदलाव तो बहुत है। कईयों ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो प्रॉपर्टी क्यों आई है? क्योंकि तिजोरी में लिखा था तो धन बढ़ा, तो प्रॉपर्टी आई है। एक साल में किस किस ने प्रॉपर्टी खरीदी है या सामान खरीदा है? गाड़ी खरीदी है, वाहन खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है, अलमारी, फ्रिज, टीवी। खड़े हो जाओ। आपने घर खरीदा ना सर? बता, आपने तिजोरी में नंबर लिखा था, उसके अंदर अंदर आपने घर खरीद लिया, बताओ। शेयरिंग सुन लो, शेयरिंग सुनने से आपको अट्रैक्ट करती है वो शेयरिंग्स। ये नंबर लिखने से मतलब बहुत लगती है, सारे काम बढ़ते चले आते हैं। मेरे लिए 25-30 साल बाद कल ये काम पूरा हो गया, इसके लिए हम बहुत परेशान थे। घर की बात है,
ये अलग बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे घर को थोड़ी नजर लग जाएगी, पहले मैं नजर कवच बनाऊंगी उसके बाद बताऊंगी। इनका कहना है, मैंने बताया था इन्होंने शेयरिंग की थी कि ये वो भूल गए थे पैसे रखकर, वो पकड़ना अपने सर पे से पलट गया, और फिर बाद में इनको पता चला कि 2.5 से 3 लाख रुपए हमारे साइड में रखे, मैं भूल गई थी किसी कहीं से, और इन्होंने अभी घर लिया है। तो ये नंबर आप ना समझ नहीं पा रहे हो, आपने कुछ भी सामान अगर खरीदा है घर में, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन कोई भी सामान आपके घर में बढ़ के आ रहा है, ये इस नंबर का ही फल है, क्योंकि पैसा देकर ही लाए हो, फ्री में नहीं लाए हो। ये बताओ बस, समझ नहीं पाते हो आप लोग कि ये कैसे वर्क करता है। थैंक यू, और जाओ, थैंक यू, बस गला आया आपके पास से सीधा, गला भी आया, गला भी तो आया, पूरा का पूरा बिजनेस आया है। शादी को कितने साल हो गए? 18 साल में पूरा बिजनेस हाथ में आया है, और क्या चाहिए नंबर लिखने से। इन्होंने अपनी गली में एक और घर ले लिया है नंबर लिखने से। बाबू आप आ जाओ, मैं ही बोल दूंगी। फ्रिज लिया है इन्होंने, ऑटो भी लिया है, नंबर लिखा था ना पहले ग्रीन पेन से, शाबाश। टीवी लिया है, कितने का? सस्ता पड़ा है। थैंक यू। और आपने मशीन और गोल्ड लिया है, सोना चांदी लिया है, शाबाश। इनके हस्बैंड स्कूटी लेकर आए हैं, शाबाश शाबाश। लेकिन मैंने जब नंबर लिखा अपने को दिया, मैंने इसको 5 तोला सोना दिया। वेरी, ये कह रहे कि मेरे पास इतना कुछ नहीं था कि मैं अपनी बेटी को क्या देती, 5 तोला सोना इन्होंने दिया है। होता चला गया। हाँ जी हाँ जी, कूलर और होम थिएटर, वाह। ये छुपा छुपा के शेयरिंग हो रहे हैं, सबके पास हो गई ना शेयरिंग। डबल डोर वाला तो फ्रिज लिया है और होम थिएटर लिए और हाय हाय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइन में हो, मेरे भाई की मेरी बहन, लेकिन मेरी मिलने के बाद उसने दो श्रीमन नारायण जी, मेरी बेटी की शादी हुई थी तो उसमें यानी कि सारा टोटल करके हमने सब हिसाब किताब कर दिया, पर हमें 1 लाख बेनिफिट मिला, और उस बैग को किसी ने भी नहीं देखा, उसी बैग में सारे पैसे निकाल लिए थे, पर वो 1 लाख रुपया मुझे अलग से उसी बैग में जादू से आया। और ये नंबर की देन है। मेरे घर में टीवी भी आई है और मेरे भाई का पासपोर्ट रुका था 8 महीने से, वो दे नहीं रहे थे, आज मैं नारायण ग्रुप में आई ना, आज वो मिल गया लेके आ रहे। शाबाश 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 शिव नारायण। ये सुबह साधना में बैठे हुए याद है आप लोगों को, सुबह बता रहे थे अपने भाई की शेयरिंग। मैंने सीधा लेयर कंडीशन लिया है, कंट्रोल तक लिया है और किचन तक। वेरी गुड, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हां अब आप समझ रहे हैं नंबर लिखने का अर्थ, कैसे कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आ जाओ आप इस साइड, आओ आओ इधर आओ, क्या करना है इन्होंने, लाइव तो नहीं ना, वीडियो तो नहीं चल रही ना, रुक जाएंगे ना, पॉज कर दो, पता नहीं किस रूप में आए। सेविंग आप करो। अच्छा फिर, हाँ जी बोलिए। मैं थोड़ी बातें करनी थी। क्या बात है, किससे? आपसे। फिर तो रुकना पड़ेगा, अभी तो क्लास चल रही है, अभी तो क्लास चल रही है। बर्तन वाली दीदी अनाज लेने आई थी। आप मेरे पास बैठो, ये इनको दे दो, मैं सुन लेती हूँ। कुछ बोलो नहीं, आप रुको, इनको दो, इनको दे दो, आप भी बोलना, आप इधर आ जाओ, बोलो बोलो,
बोलो। अनाज लेना आई थी बच्चों के लिए, सुबह का अनाज भी नहीं मिले, छोटे छोटे बच्चे के तो आप घर में अनाज भी नहीं है, काम करते हो ना। मैं थोड़ा गाना गाऊ? क्या गाना गाना है मुझे बताओ। अच्छा गाना पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताइए क्या गाना गाना है। मैं ऐसे बच्चों के, आप माइक लीजिए ना काम के लिए, मैं बात सुन कर लूँ, एक मिनट करूँ थोड़ा सा। बोलो कौन सा गाना गाना है। इंडिया का गाना गाती। कौन सा इंडिया का, मुझे सुनाओ पहले।